स्वेटर। ठीक सुना आपने, हम पुराने स्वेटर से क्या क्या चीजें बना सकते हैं। कई बार होता है कि पुराना स्वेटर यानी हमारा हो या बच्चों का हो, किसी का भी स्वेटर हो, हम एक या दो बार यूज करते हैं या कह सकते हैं कि एक साल यूज करते हैं, उसके बाद उसे अटाले में फेंक देते हैं या फिर बिस्तर बनाने में यूज कर लेते हैं या पिलो बनाने में यूज कर लेते हैं या डिफरेंट तरीके से अब किसी ने यूज हो जाता है। और अक्सर यूज होता है मतलब पोछा झाड़ू पोछा के लिए, क्योंकि कहते हैं स्वेटर से पोछा अच्छे से लगता है। ठीक है, एक टी शर्ट से और स्वेटर से। ओके, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपके पास पुराना स्वेटर है और उसे आप यूज नहीं करते हैं तो उसे जल्दी से निकालिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए और आप भी इस चीज से को अच्छे से सीख पाएंगे कि आपको क्या करना है उसका और क्या नहीं करना है। तो आप वीडियो शुरू करते हैं हम, तो वीडियो में अभी देखिए। आपको अच्छे से दिख रहा होगा शायद, ये आप देख सकते हैं, ये आप पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमने बनाया है पुराने स्वेटर से। जो हमारा पुराना स्वेटर होता है, जो हाथों के द्वारा बुनाई होता है, एक रेडीमेड स्वेटर आता है और एक कहते हैं कि हाथों के द्वारा जो बनाया जाता है स्वेटर, आपको मार्केट में हाथों द्वारा भी बना हुआ स्वेटर मिलेगा और एक मशीन की जो बारीकी से बनता है वो स्वेटर भी। तो ये हमने बनाया है, जो हाथों के द्वारा रेडीमेड मिलते हैं स्वेटर वो भी थे हमने यूज किए, और जो हमारे पास जो घर में बनाए गए थे यानी मेरी मम्मी के द्वारा वो स्वेटर भी हमने रीयूज किया है। तो उसके लिए मैंने देखिए मैंने एक पैरदान बनाया है, ये आप देख सकते हैं, और ये आपको जो बीच में छेद दिख रहा है यहाँ हम एक फ्लावर अटैच करने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ में एक और मैंने पैरदान बनाया है, ये अक्सर आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ये बने हैं स्वेटर से, यानी जो मोटा वाला ऊन रहता है उसको चार से छह आटी लेकर, यानी एक सिलाई में हम अधिक से तीन या दो आटी लेते हैं, लेकिन इसे मोटा करने के लिए हमने एक आटी में चार से छह आटी ली है, तब जाकर वो एक रोल हुआ, यानी हमारी चीटी उंगली का भी आधा हिस्सा हुआ, इतना मोटा हमने उसे किया है। ठीक, आता है हमारा ये थाल पोस, ये देखिए आप, और ये भी पुराने स्वेटर से ही बना हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि हम इसे पूजा में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पहने हुआ स्वेटर था उसे हमने थालपोस बनाया है, लेकिन इसे आप घर पर डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक सेकंड देखिए, इस तरीके से आप दीवार पर इसे टांग सकते हैं, और यहाँ पर आप कीचेन लगा सकते हैं इसमें अटका कर, तो अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं, या नॉर्मली आप इसे गुलदस्ते के टी टेबल पर या आपकी जो छोटी सी टेबल होती है यानी जो घर का जो साइड वाला कोना होता है जिसे हम हर बार अनदेखा कर देते हैं उसे पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने बनाया है, ये देखिए तोरण, और ये भी आप ये देखिए पुराने स्वेटर से ही बना हुआ है, ये आपको अलग ही गांठ दिख गई होगी, क्योंकि जब हम स्वेटर के पुराना उधेड़ते हैं तो उसमें कई छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, और ये रॉन्ग साइड है, अभी इसका राइट साइड है। अब ये देखिए इस तरीके से आप पुराने स्वेटर से भी इस तरीके का तोरण तैयार कर सकते हैं। अगर कुछ छोटे टुकड़े हैं तो उसे आप एडजस्ट कर लीजिए, गांठ नोट लगा दीजिए बीच में। और अब जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है वो है छोटा सा मिनी बैग। ये देखकर तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि हमने पुराने स्वेटर से बनाया है। कई बार हम नए स्वेटर से हर चीज बना लेते हैं अब, लेकिन अब ये देखिए ये बिल्कुल पुराने स्वेटर से बना हुआ है। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जब भी अगली वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप और हम मिलकर आपस में बातें कर सके। तो ये हुआ, तो मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, और इसके द्वारा आप और भी चीजें हो सकती है, यानी आप आटे का जो हमारा डिब्बा होता है उसका जो कवर रहता है, कई बार हम उसे बारिश में होता है कि सीलन लग जाती है, तो आप उसका कवर बना जो पॉलिथीन का बनाते हैं, पॉलिथीन के ऊपर इस तरीके की जो ऊन हमारी वेस्टेज रहती है यानी पुराना स्वेटर, उसका भी आप कवर लगा सकते हैं, या इस तरीके की पर्स बना सकते हैं, बच्चों का स्कूल बैग बना सकते हैं, आप अपना मोबाइल रखने के लिए मोबाइल कवर बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने अभी चार चीज बनाई है, और ये देखिए इसमें जो बटन हमने यूज किए ये पुराने शर्ट के ही है, इसके लिए आपको कोई भी चीज मार्केट से लाने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो मेरा बस आज का मैं इनफ करती हूँ,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, और आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि हम पुराने स्वेटर से किस तरीके से और क्या क्या चीज बना सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पुराने स्वेटर से ये चीजें किस तरीके से बनती है तो प्लीज वीडियो को मैं पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, यानी आप भी उसको सीख पाए। और अगर आप अदर देखना चाहे तो यूट्यूब पर भी आपको और चीजें मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो।